हेलो दोस्त, तो कोरोना को देखते हुए सारा कोचिंग वगैरह आपका बंद कर दिया गया है, इसलिए आज हम लोग भी अपना क्लास बंद कर दिए, ठीक ना। तो कुछ दिन तक जब तक माहौल ठीक नहीं हो जाता तक हम आप लोग का ऑनलाइन क्लास लेंगे, है ना, ताकि आपका पढ़ाई बाधित हो ना, है ना। तो इसलिए हम आप लोग को एक चैप्टर पढ़ा रहे थे दोस्तों, इसका नाम था इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना, विद्युतीय परिपथ, है ना, जिसमें था धारा चक्र, जिसमें आपको हम सेल के बारे में बताए थे दोस्तों, है ना। तो आज हम उस टॉपिक से आप लोगों को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं, है ना। तो आज का एक टॉपिक का नाम है दोस्तों किरचॉफ का नियम, है ना। आज जो हम लोग के टॉपिक का नाम है वो है किरचॉफ का नियम। तो यहां से हम आप लोगों का क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों, है ना, ताकि इससे पहले क्योंकि जो चैप्टर चल रहा था विद्युत धारा का ओम का नियम सभी लोग पढ़े थे, तो उसमें हम आप लोग को सेल तक बता दें दोस्तों, है ना। तो उसके बाद जो न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है, क्योंकि कुछ बैच में थोड़ा आगे भी थे, कुछ बैच में दो टॉपिक पीछे भी थे, तो इसलिए हम आप सब लोग के लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है किरचॉफ का नियम, है ना। तो सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग देंगे किरचॉफ का नियम, यहां से सभी बैच के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं, है ना। जो पीछे एक दो टॉपिक छूट गया है उसको ऑफलाइन क्लास में आपको पूरा कर देंगे। यहां से हम आप लोग के लिए नया टॉपिक सभी लोग के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो टॉपिक का नाम है दोस्तों किरचॉफ का नियम, है ना, किरचॉफ का नियम। ये चैप्टर का भी नाम है और टॉपिक का भी नाम है। देखो दोस्तों, ओम के नियम को हम आप लोग क्लास में बताए थे कि ओम के नियम को गलत करने के लिए या एक तरह से कह सकते हैं कि सुधार करने के लिए एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था किरचॉफ। किरचॉफ एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक से अधिक प्रतिरोध के लिए अपना नियम दिया। मतलब कि यह एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो किसी विद्युत परिपथ में, इलेक्ट्रिक सर्किट में, जो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक से अधिक रेसिस्टेंस, एक से अधिक प्रतिरोध के लिए अपना एक नियम दिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं किरचॉफ का नियम। तो यदि आपसे कोई पूछा दोस्तों कि एक ऐसे वैज्ञानिक का नाम बताइए जो एक से अधिक, है ना, एक से अधिक प्रतिरोध के लिए अपना एक नियम दिया, है ना, तो उसका नाम क्या बोलेंगे, किरचॉफ का नियम। तो दोस्तों किरचॉफ एक ऐसे वैज्ञानिक आए जिन्होंने एक से अधिक प्रतिरोध के लिए एक नियम दिया, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं किरचॉफ का नियम। मतलब जब ओम नामक वैज्ञानिक आए, बात को समझना है दोस्तों, जब ओम जैसे वैज्ञानिक आए तो उन्होंने यह कहा, ओम के नियम में कहा गया आई इक्वल टू वी बाय आर। ओम के नियम में कहा गया दोस्तों, इसका मतलब कि ओम के नियम में प्रतिरोध कितने थे दोस्तों, एक। ओम के नियम में प्रतिरोध अर्थात रेसिस्टेंस कितना था बाबू, एक था। लेकिन किरचॉफ ने कहा कि भाई एक प्रतिरोध नहीं रह सकता है, एक परिपथ में एक प्रतिरोध नहीं रह सकता है, एक रेसिस्टेंस नहीं रह सकता है, एक से अधिक रेसिस्टेंस रह सकता है। और इसीलिए किरचॉफ ने अपना पहला नियम दिया। देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम, है ना, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जानते ये है क्या दोस्तों। देखिए सबसे पहले दिमाग में एक बात आपको याद हो गया है, क्या याद हो गया है, कि भाई किरचॉफ ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक से अधिक प्रतिरोध के लिए अपना नियम दिया। मतलब एक ऐसा विद्युत परिपथ बनाया जिसमें एक से अधिक प्रतिरोध रह सकता है। किसने यह नियम दिया, किरचॉफ ने यह नियम दिया। अब उसका फर्स्ट लॉ क्या है ये जाने, तो फर्स्ट लॉ को जानने के लिए फिगर देखिए, फिगर समझिएगा दोस्तों, फिगर को आप समझे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ को देखिए, ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ का ये फिगर है दोस्तों, इसको ध्यान समझिएगा। देखिए इस फिगर को आप बड़े ध्यान समझिए, इसमें क्या है दोस्तों, फिगर समझिए, किरचॉफ फर्स्ट लॉ है ये, है ना, इसको ध्यान समझना है।
ये देखिए इस पॉइंट को मान लेते हैं ओ एक पॉइंट है। ओ क्या है बाबू? एक पॉइंट है ना। इस पॉइंट पर एक करंट आ रहा है आई वन, एक करंट जा रहा है आई टू, इधर से करंट जा रहा है आई थ्री, यहां हो गया आई फोर, यहां हो गया आई फाइव। टोटल करंट दोस्तों और भी ले सकते हैं, और भी ले सकते हैं, क्यों? पहले बात को समझना है। किरचॉफ ने कहा है कि उसके सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट जो किरचॉफ ने बनाया, उसमें एक से अधिक प्रतिरोध रह सकता है ना, एक से अधिक प्रतिरोध रह सकता है। किसने बताया था दोस्तों? किरचॉफ ने बताया था है ना, कि एक से अधिक प्रतिरोध रह सकता है। अब देखिए यहां ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है, ये है, ये है, कितना सारा प्रतिरोध है। और देखिए धारा का प्रवाह भी कितने तरीके से हो रहा है, आई वन, आई टू, आई थ्री, आई फोर, आई फाइव, और भी ले सकते हैं आई सिक्स, आई सेवन। अब देखिए किरचॉफ फर्स्ट लॉ का इक्वेशन क्या है, देखिएगा आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री माइनस आई फोर माइनस आई फाइव इक्वल टू जीरो। देखो दोस्तों ये है किरचॉफ फर्स्ट लॉ। यदि आपसे कोई पूछता है कि भाई किरचॉफ फर्स्ट लॉ का इक्वेशन बोलिए, तो आप कहिएगा आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री माइनस आई फोर माइनस आई फाइव इक्वल टू जीरो। कहोगे सर जी एक चीज समझ में नहीं आया, एक चीज समझ में नहीं आया, आई वन ठीक है, आई टू भी ठीक है, आई थ्री भी ठीक है, इसमें ये दोनों माइनस क्यों हो गया, इसमें ये दोनों माइनस क्यों हो गया? तो आप कहेंगे दोस्तों कि सर इसमें माइनस इसलिए हो गया क्योंकि इसका डायरेक्शन इस तीनों के अपेक्षा चेंज है। देखिए इस तीनों का जो डायरेक्शन है और इस दोनों का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है, इसलिए डायरेक्शन के बेसिस पर ये तीनों का डायरेक्शन सेम था इसलिए प्लस दिया गया, इस दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए क्या लिया गया, माइनस लिया गया। तो टोटल आई वन, आई टू, आई थ्री, आई फोर, आई फाइव का टोटल जो सम है ना, वो कितना होगा दोस्तों? जीरो। तो यदि आपसे कोई पूछे किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या है, ध्यान सुनिएगा, फिगर आपके सामने है, इक्वेशन आपके सामने है, बस लैंग्वेज क्या बोलते हैं समझना है। देखिए अब देखो बाबू एगो बात बता देते हैं, अब पढ़ रहे ऑनलाइन, जहां कहीं भी कोई दिक्कत हो समझने में तो इसमें भी वो आता है कमेंट बॉक्स, ठीक ना, तो उसमें आप जरूर कमेंट कीजिए कहां समझ में नहीं आया, नहीं तो मालूम चला बस क्लास की तरह एकदम उतार लिया, वो काम मत करना है ना। जहां दिक्कत हो, जहां ना पूछो, अब यहां देखिए मोबाइल में पढ़ रहे हैं तो मोबाइल में हम आपको खड़ा करके तो पूछ नहीं सकते हैं, ये याद तो नहीं करवा सकते हैं, बात समझ रहे हो ना, कि मोबाइल इसमें आपको याद नहीं करवा सकते हैं, इसलिए जहां दिक्कत हो नीचे कमेंट है, नहीं पूछ पाइए तो व्हाट्सएप में क्वेश्चन आप पूछ लीजिए है ना, व्हाट्सएप के माध्यम से आप क्वेश्चन हमको पूछ लीजिए, कहां दिक्कत हुआ उसको हम अगले क्लास में समझाएंगे है ना। यहीं पर आप जहां यूट्यूब देख रहे हैं अभी मेरा, उसी के नीचे कमेंट आता है, तो जो भी आपको दिक्कत है वहां पूछिए है ना, कि सर दिखाई नहीं पड़ रहा है, या आवाज थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, या पिक्चर थोड़ा खराब हो रहा है, जो भी दिक्कत हो आप कमेंट में बोलिएगा, नहीं बोलिएगा बुआ तो मोबाइल में घुस करके पूछ लेंगे आपसे, ये बात मजाक मत लीजिए, सीरियस ना है ना, खैर समझिए। तो यदि आपसे कोई पूछा दोस्तों किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, कहोगे सर जी सीधे तो पहुंचा दिया आप किरचॉफ के नियम, इतना बड़ा वैज्ञानिक के नियम में आप हमको पहुंचा दिए, तो तनी बता दीजिए इसका पहला नियम क्या है। देखो लैंग्वेज में क्या बोलोगे, ध्यान समझना, कहोगे कि किरचॉफ है ना एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने है ना किसी विद्युत परिपथ में एक से अधिक प्रतिरोधों का सफलतापूर्वक अध्ययन किया। नहीं मजा आ गया एकदम सुन के, नहीं क्योंकि देखो ओम ने क्या बताया, ओम ने यह बताया कि किसी भी विद्युत परिपथ में एक प्रतिरोध हो सकता है, नहीं फॉर्मूला पढ़े ना, आई वन इक्वल टू वी बाय आर, इसका मतलब वन रेसिस्टेंस, एक प्रतिरोध है, लेकिन किरचॉफ में देखिए बड़ल है, नहीं आर वन आर टू आर थ्री आर फोर आर फाइव भरा हुआ है ना, इसका मतलब क्या हुआ? तो क्या बोलेंगे, याद हो गया सब लोग को
फिर से रिपीट करो, तो मोबाइल में रट मारना शुरू कर देंगे, हम बता रहे हैं है ना। क्या बोलोगे कि किरचॉफ एक ऐसे वैज्ञानिक थे, किरचॉफ एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसी विद्युत परिपथ में एक से अधिक प्रतिरोधों का सफलतापूर्वक अध्ययन किया है ना, जिसके आधार पर उन्होंने कितने नियम दिए, दो नियम दिए। आवाज भी लगता थोड़ा फंस रहा है, चलिए आज पहला दिन है इसी वजह से है ना। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहा, प्रथम नियम है, बात समझिएगा। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार, ध्यान सुनना मेरी बात को, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार चालकों की संधि पर, मेरी बात ध्यान सुनना है ना, आज दम रट जाना है, प्रथम नियम बता रहे हैं तुम लोग को है ना, मोबाइल पर हम रटवाएंगे। चालकों की संधि पर, संधि मतलब क्या हुआ, संधि मतलब क्या हुआ, अब बच्चा मन में सोच रहा है संधि पर, संधि ये सोचेगा पगला, ऑनलाइन में यही लोग सोचता है, ये वर्ग के जंक्शन बोलते हैं इसको। हाँ, अधिक संधि संधि नहीं कर रहा है, यहां पर जंक्शन समझ रहा है, जंक्शन चालकों के जंक्शन पर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संधि है ना। तो क्या बोलेगा कि चालकों की संधि पर सभी धाराओं का, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग मतलब अलजेब्रिक सम कितना होता है, शून्य होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम। क्लियर है, बोल दो नहीं, बोलो तो नहीं दोस्त, मत बोलो, मेरा क्या है, मत बोलो। यदि आपसे कोई पूछा किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, अब ध्यान सुनना क्या बोलेंगे, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार, क्या बोलेंगे, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार चालकों की संधि पर, मेरे साथ बोलो, चालकों की संधि पर सभी धाराओं का, सभी धारा, सभी विद्युत धारा का, सभी इलेक्ट्रिक करंट का बीजगणितीय योग अलजेब्रिक सम क्या होता है, शून्य होता है। मतलब फटाक से एक लाइन में बोलोगे कि चालकों की संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है बाबू, शून्य होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम। क्या सब लोग बोल सकते हैं, याद हुआ सब लोग को, याद को छोड़ दीजिए, समझ में बात आई, मतलब देखिए करंट यहां से भी आएगा, 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 हर जगह से आएगा, अब मिलेगा कहां, मिलेगा कहां, ओ बिंदु पर। इस ओ बिंदु को हम क्या कहेंगे, हर बात को समझिए, इस ओ बिंदु को हम क्या कहेंगे, जंक्शन, हिंदी में क्या कहेंगे, संधि है ना, जंक्शन बोलेंगे या संधि बोलेंगे। दिमाग में वो बात बैठा लो तुम है ना, याद होना हो, समझ में आना चाहिए कि भाई सर जी आप करंट कहीं से भी लाइए, किसी भी डायरेक्शन से आप करंट लाइए, लाने के बाद ये सब को जोड़ देंगे तो जंक्शन पर इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब यदि आपसे कोई पूछा दोस्तों कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, तो एक लाइन में आप बोलेंगे कि किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार चालकों की संधि पर, याद हो गया, सब बच्चा को याद हो गया, जितना बच्चा भी वीडियो देख रहा है सबको याद हो गया कि चालकों की संधि पर, इस पर यहां देखो, यहां यहां बोल रहा है, चालकों की संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, शून्य होता है। बात समझ में है ना, तो देखो अधिक क्या बोला, अब सोचते हैं लिखवा दें, तो आप लोग एक काम कीजिए ना, नहीं आज लंबा वीडियो हम नहीं लेंगे, काहे कि पता नहीं सब लोग को पता है कि नहीं है, है ना, अभी सब देखते हैं कॉल बज ही रहा है, देख रहे हैं कॉल बज रहा है ना, आप लोग को पढ़ा रहे हैं रिसीव नहीं कर रहे, क्या करिएगा, मजबूरी है ना। तो कम ही आज लेंगे वीडियो, कल से लंबा वीडियो लेंगे, ठीक ना, जहां दिक्कत हो पूछिएगा। सबसे पहले आप किरचॉफ का नियम देख के डैश दीजिए और हम लिखा देते हैं, ठीक है, हाँ लिख लीजिए सब लोग, लिखिए किरचॉफ का नियम देख के डैश दीजिए और लिखिए। किरचॉफ एक ऐसे वैज्ञानिक थे
जो लोग लिखने में छूट जाए तो वीडियो को रोक करके इसे भी सिखाना पड़ता है, नहीं ना? चल समझदार है तो। किरचॉफ एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1 से अधिक प्रतिरोधों का किसी विद्युत परिपथ में 1 से अधिक प्रतिरोधों का किसी विद्युत परिपथ में सफलतापूर्वक अध्ययन किया। जिसके आधार पर उन्होंने 2 नियम दिए। उन्होंने 2 नियम दिए। नंबर फर्स्ट, किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम इंग्लिश में किरचॉफ फर्स्ट लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ डैश के लिखेंगे। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार चालकों की संधि पर सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग, चालकों की संधि, संधि मतलब जंक्शन, संधि पर सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है बाबू? शून्य होता है। शून्य होता है। कंप्लीट है? अब आप ये फिगर उतार लीजिए, ये फिगर उतार लीजिए, डायरेक्शन दीजिएगा, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, डायरेक्शन दीजिएगा और ये इक्वेशन लिख लीजिएगा। सभी लोग उतार रहे हैं, ये फिगर उतार लीजिए और उसका ये इक्वेशन है, इसको आप लिख लीजिए। लगता है हो गया सब लोग का। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं तक बना रहे हैं, ठीक ना? कल से हम आप लोग का लंबा क्लास लेंगे, क्योंकि आज बहुत सारे लोग को नॉलेज नहीं है। आपको जैसा बताया कि ना, इस वजह से आप लोग घर में रह करके सुरक्षित रहिए ना, और कोरोना से बचे रहिए, मास्क का उपयोग करते रहिए, है ना? और कुछ दिन तक आप लोग का क्लास बंद रहेगा, उसके बाद जैसे ही खुलेगा तो हम आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है, धन्यवाद।